हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल स्टाइलिश कुर्ती। इसे बनाने के लिए यहाँ पर ये फैब्रिक मैंने लिया है रेयॉन का। ये भी रेयॉन का है, ये हमारा प्लेन फैब्रिक है। ये हमने 2 मीटर लिया है एंड ये हमारा काफ़ी है, प्रिंटेड फैब्रिक हमारा काफ़ी है। इसमें से मैं निकाल लूँगी। सबसे पहले ये हमारी एक्चुअली 2 पीसेस है, ये टोटल हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम 1 पीस को हम फोल्ड करके रख लेंगे। सबसे पहले हमें बैक पार्ट कट करना है। कपड़े को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रख लिया है। एक्चुअली हमारा रेयॉन का फैब्रिक है तो इसलिए आपको ज़्यादा सिलवट दिख रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी लेंथ ले लेंगे। कुर्ती की लेंथ मैं ले रही हूँ 35 इंचेस। तो सबसे पहले हम 35 इंचेस पर एक मार्क कर लेंगे। इसमें हम 12 इंचेस ऐड करेंगे इस तरह से। शोल्डर लेंगे 7 इंचेस। आर्म होल भी लेंगे 7 इंचेस। अब हम यहाँ पर चेस्ट का मार्क लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेस्ट का मार्क लगाइए। मैं ले रही हूँ 8.5 इंचेस। यहाँ से ऊपर से रखेंगे 15 इंचेस पर हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम कमर का मार्क। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपके कमर का मेज़रमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाइए। मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। अब इसको हमें ऐसे ही लीव कर देना है। अब यहाँ से इसको पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसमें हिप का मार्क कोई भी मैटर नहीं करता है, तो इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ पर 2 इंच का हम लूजिंग लेंगे। अगर आप ज़्यादा लूज नहीं पहनना चाहते तो इसमें 1 इंच का ही लूजिंग ले, बट मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लूज बना रही हूँ। 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ तक कट कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच की गुलाई करेंगे। इसको अब हम कट कर लेंगे। ये मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब इसका हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। कपड़े को हमें फिर से इस तरह से 2 फोल्ड में रखना है। कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है। इसी के ऊपर हम बैक का पार्ट रखेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी होगा ऊपर से हम कट कर लेंगे। अब हम इसको मार्क कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट में हमें मार्क कर लेना है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे कमर का। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कमर वाला निशान है, कमर के यहाँ से हमें 2 इंचेस का एक मार्क लगा लेना है। आप चाहें तो 3 इंचेस का भी लगा सकते हैं। इसको भी हम कट कर लेंगे। इसको मैंने कट कर लिया है इस तरह से। फ्रंट पार्ट को हम निकाल लेंगे इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच गैप कर देना है। अब इसको यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट में मिला लेना है। इसको हमें कट कर लेना है।
को मैंने कट कर लिया है। अब इसका हम जो हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया था इससे हम इसका डिज़ाइन कट करेंगे। अब जो भी हमारी कुर्ती की लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। मैं लगा रही हूँ 36 इंचेस पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी लेंथ थी 35 इंचेस। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से देख सकते हो आप, इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हमें छोड़ लेना है करीब 3.5 इंचेस। मैंने यहाँ पर लीव किया 3.5 इंचेस, इस तरह से। अब इसको हम गोलाई से नीचे वाले मार्क तक मिलाएंगे, इस तरह से। इस तरह से ये जो निशान है यहाँ पर हम नीचे भी निशान लगा लेंगे। अब इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, इसका हम आर्म होल कट कर लेंगे। इस तरह से अब इसमें हमें जो हमारे पार्ट है इनमें हमें 1 इंच की अभी डीप नहीं करना है आर्म होल में। जब हम इसको सिलेंगे, इसमें सिलाई करेंगे, तब हम आर्म होल में डीप करेंगे। अब इस बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी होगा इसको हम कट कर लेंगे। इसके स्लीव्स हम नॉर्मली कट करेंगे, बट मैंने मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, बट मैंने इनको थोड़ा सा लूज रखा है। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जितना आप लूज इसको बनाना चाहें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और ये पट्टियाँ कट करेंगे जिसकी विड्थ लेंगे हम 1.5 इंचेस। ये पट्टी हमें ओरिप में कट करनी है। इन ओरिप पट्टियों की हमें डोरिया बनाना है, तो बाद में बनाएंगे। अब हम स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को लेंगे, इस पार्ट को लेने के बाद जो भी हमारा गोलाई वाला हिस्सा है उसको हम मेजर कर लेंगे। इस तरह से मेज़र करने के बाद इसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर पट्टी ले लेनी है। पेपर पट्टी पर हमें डिज़ाइन बनाना है। ये मैंने डिज़ाइन ऑलरेडी बना लिया है। अगर ये आपको बनानी नहीं आती तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपको ये बनानी नहीं आती है तो प्लीज़ चेकआउट माई चैनल, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको भी आप चेक कर लें। ये मैंने जो हमने पेपर लेना है उसी के अकॉर्डिंग ये हमने पट्टी लेना है, यानी कि इस राउंड के अकॉर्डिंग। तो ये इस पट्टी की विड्थ मैंने ली है, दिखा देती हूँ मैं आपको। विड्थ मैंने ली है 2.5 इंचेस, देख सकते हो आप। अब हम इसमें डिज़ाइन को लगाएंगे। सबसे पहले इसको हमें सीधा साइड से रखना है, एंड इसको हमें उल्टा रखना है करीब। इसको हमें 1 इंचेस लीव करते हुए रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको दबा लेते हैं, एंड यहाँ पर जो हमने 2.5 इंचेस की पट्टी ली थी इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, एंड इसके ऊपर हमें इसको रख लेना है, इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद हमें सिलाई लगा लेना है इसमें। अच्छे से दबाते हुए जाना है। इस तरह से
इसको मैं रिमूव कर ले रही हूँ पेपर को। ये इजीली आपका रिमूव हो जाएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हो आप, मैं अच्छे से इसको रिमूव भी कर रही हूँ। इसे रिमूव करने के बाद यहाँ पर अच्छे से रिमूव कर लेंगे, ये थोड़ा सा हमारा रह जाता है तो अच्छे से कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको हमें उल्टे साइड इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से इसको खींच के सिलाई नहीं लगाएंगे, लूज करके ही सिलाई लगाएंगे। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है, देख सकते हो आप, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट को लिया है। फ्रंट पार्ट में जो भी हमने कट लगाया था नीचे साइड, उसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इतना इतना यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। किनारे से सिलाई लगाएंगे। मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो भी हमारा 3.5 इंचेस का मैंने शोल्डर साइड से मार्क लगाया था, उसके ऊपर हम इस डिज़ाइन को रखेंगे इस तरह से, एंड इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसका नेक कट कर लेंगे। नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 3.5 इंचेस। याद रखें, आप अगर पतले हैं तो इसकी विड्थ आप 3 इंचेस ही लें। डीप ले रही हूँ मैं 4 इंचेस। इस तरह से इसको गोलाई से कर लेंगे, कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे थोड़ी सी डोरी आ रही है तो इसको कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर ली है। इसको यहाँ पर हम पहले सिलाई से स्टिच कर लेंगे। पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है, इस तरह से सिलाई लगा लेना है। अब ये जो मैंने पट्टी ली है, इसकी विड्थ मैंने ली है 2 इंचेस। इसकी लेंथ काफ़ी है क्योंकि मैं इसी पट्टी से बैक नेक को भी कंप्लीट कर लूँगी, इसलिए मैंने लेंथ इसकी ज़्यादा ली है। अब यहाँ पर हम पट्टी को अटैच करेंगे हर बार की तरह, और ये पट्टी को इस तरह से बैक साइड से रख कर हमें फ्रंट साइड पर फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। इस तरह से पट्टी को हमें पूरे नेक में अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से कट लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको भी हम कट कर लेंगे। अब इसको हम फ्रंट साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट के नेक को कंप्लीट करेंगे। बर्थ सेम ही लेना है, बस इसकी डीप हम कम लेंगे। डीप इसकी मैं ले रही हूँ 2 इंचेस। इसको भी हम गोलाई से मिलाएंगे इस तरह से, कट कर लेंगे। इसको भी हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे और पट्टी के साथ। तो इसको हम बना लेते हैं। बैक साइड से हमें और पट्टी को रखना है, फ्रंट साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम शोल्डर्स को ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हम इस शोल्डर्स को जोड़ेंगे उसी तरह से दूसरे शोल्डर्स को भी जोड़ लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे शोल्डर्स को भी ज्वाइंट कर लेना है। मैंने दोनों शोल्डर्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में नीचे साइड सिलाई लगाएंगे। जो मैंने 12 इंच का मार्जिन दिया था नीचे, उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड इसमें हम किनारे से सिलाई लगाएंगे। बैक पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये मैंने स्लीव्स ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, देख सकते हो आप इस तरह से। अब इसकी स्लीव्स में हम पहले डीप कर लेंगे। इन पार्टों को हमें अंदर साइड सीधा रखना है, ऊपर साइड उल्टा रखना है। इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से अब हम इन दोनों स्लीव्स को अपनी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। ये जो हमारी स्लीव्स है इसको हम देख लेंगे। ये हमारी प्रिंटेड साइड ही आना चाहिए इस तरह से। मैंने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया। अब मैं साइड में सिलाई लगा ले रही हूँ। नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये मैंने सिलाई लगा ली है। इस साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम सीधा करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देख सकते हो ये डिज़ाइनर कुर्ती हमारा इस तरह से आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो को कैसा लगा।